हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बनाने वाले हैं बादाम का बना खीर, यानी आलमंड पायसम बोल लीजिए इसे। ये काफ़ी टेस्टी और यमी डिश है। इसको डेजर्ट के हिसाब से आप कभी भी सर्व कर सकते हैं। ये डिश काफ़ी टेस्टी होता है, फैमिली में हर किसी को ये काफ़ी पसंद आता है। फ्रेंड्स, इसको आप गर्म या ठंडा सर्व कर सकते हैं। सर्विंग के टाइम पे आप इसमें थोड़े से पिस्ताचियो ऐड कर लीजिए। पिस्ताचियो काफ़ी हेल्दी भी होता है और टेस्ट और फ्लेवर भी ऐड करता है, तो एंड में आप सर्विंग के टाइम पे थोड़े से पिस्ताचियो इसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरह का डेजर्ट बना के आप फैमिली में सर्व कर सकते हैं या फ्रिज में रख के इसको कुछ दिन तक भी खा सकते हैं। ये काफ़ी यमी रहता है। इसमें आलमंड्स होते हैं, इसी वजह से ये काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है। तो चलिए जान लेते हैं इस खीर को बनाने का रेसिपी। फ्रेंड्स, ये पायसम बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए आलमंड्स। मैं यहाँ पे ली हूँ 250 ग्राम का आलमंड। इसको हम सबसे पहले गर्म पानी में सोक कर लेंगे। तकरीबन हाफ एन आवर के लिए हम इसको गर्म पानी में सोक कर लेंगे, ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए और इसका छिलका निकालने में हमें आसानी हो। फ्रेंड्स, जैसे आप देख पा रहे हैं, अभी पौना घंटा आसपास हो गया है, हमारा आलमंड एकदम फूल के तैयार हो गया है। इसका छिलका काफ़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, इसका छिलका निकल के साफ हो गया है। आपके लिए एक टिप है, जब आप ये छिलका निकालें उस टाइम पे इसको थोड़ा सा पानी में ही भिगो के रखें, ताकि इसको ग्राइंड करते हुए हमें आसानी हो। ग्राइंड करते हुए अगर ये पिस्ता पानी में भिगे हुए रहते हैं तो काफ़ी आसानी से इसको ब्लेंड किया जा सकता है। फ्रेंड्स, जैसे आप देख पा रहे हैं, इसको हमने ब्लेंड कर लिया है। काफी स्मूथ पेस्ट बन के ये आया है। इस तरह का टेक्सचर का बनेगा, एकदम स्मूथ पेस्ट इसको बनाना है। जैसे आप देख पा रहे हैं, इसमें खुरदुरापन आप रख सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा दानेदार खीर चाहिए तो। फ्रेंड्स, अगर आज का एपिसोड आप लोग को पसंद आया तो लाइक बटन को जरूर हिट करेगा। हमारे चैनल के नए व्यूअर है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपलोड आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। सबसे पहले हम पैन में थोड़ा घी गरम कर लेंगे और उसमें काजू किशमिश को सैलो फ्राई करके निकाल लेंगे, जो हम बाद में इस्तेमाल करने वाले हैं। अब देख पा रहे हैं, हमारा काजू किशमिश अभी तैयार है। इसको हम निकाल के साइड में रख लेते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद हम बनाएंगे घर का बना खोया, जो कि काफी टेस्टी रहता है। बाजार का खोया पीछे पड़ जाएगा अगर आप घर में बनाना सीख गए तो। इसके लिए हम सबसे पहले पैन में लेंगे थोड़े से बटर, और बटर को अच्छी तरह से हम मेल्ट कर देंगे और उसमें ऐड करेंगे लगभग हाफ कप दूध। दूध आप बॉईल किया हुआ इसमें लेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लगभग एक कप मिल्क पाउडर। आप कोई भी मिल्क पाउडर ले सकते हैं, मैं यहाँ पे अमूल स्प्रे इस्तेमाल की हूँ। उसके बाद धीमी आंच में धीरे धीरे इसको मिक्स करते रहना है, करछी घुमाते रहना है, नहीं तो ये चिपक जाने का चांस रहता है। आपको इस चीज़ का खास ख्याल रखना होगा कि इसमें कोई लंप ना आए। धीरे धीरे आप करछी घुमाते रहिए धीमी आंच में। फ्रेंड्स, ये लगभग 10 मिनट का टाइम लेगा एक बढ़िया खोया तैयार होने में। फ्रेंड्स, जैसे आप देख पा रहे हैं, खोया एकदम तैयार है। इसको ठंडा करने के लिए हम साइड में रख लेते हैं, बाद में इसको इस्तेमाल करेंगे। चलिए हम खीर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए बॉइल्ड दूध। आप कच्चा दूध को भी खोला के एकदम मोटा थिक क्रीमी बना सकते हैं, या फिर आप मार्केट से क्रीम वाला दूध डायरेक्ट परचेज भी कर सकते हैं। स्टिल आपको इसको अच्छे से खोलाना पड़ेगा। जैसे आप देख पा रहे हैं, मैंने दूध को एकदम अच्छे से खोला खोला के इसका टेक्सचर काफ़ी थिक बना दिया है। और इसमें हम ऐड करेंगे 4 से 5 इलायची। इलायची की वजह से फ्लेवर और स्मेल काफ़ी अच्छा आता है, इसी वजह से 4 से 5 इलायची इसमें हम ऐड कर रहे हैं।
इसके बाद दूध को कंटिन्यूअस आपको स्टेयर करते रहना है, जैसे दूध चिपक ना जाए या उबल ना जाए। और जैसे ही दूध का टेक्सचर थोड़ा थिक होने लगे, उसमें हम ऐड करेंगे हमने जो आलमंड का पेस्ट बनाया हुआ था वो पेस्ट, और फिर कंटिन्यूअसली इसको मिक्स करते रहना है। आलमंड का पेस्ट मिलाने के बाद हो सकता है दूध नीचे से चिपक जाए, इसी वजह से करछी घुमाते रहना है। जैसे ही ये टेक्सचर थोड़ा थिक हो जाएगा, उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे खोया। खोया को हाथ से बिल्कुल मसल के इसको बारीक कर लेना है, ताकि दूध में ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जैसे आप देख पा रहे हैं, मैंने इसको हाथ में मसल दिया है और अभी मिक्स कर ले रही हूँ। फ्रेंड्स, कंटिन्यूअसली हमें कच्ची घुमाते रहना है थोड़ा थोड़ा इंटरवल में, क्योंकि अगर नीचे से खीर चिपक गया तो जलने का चांस रहता है। इस वजह से कंटिन्यूअसली आप थोड़ा थोड़ा इंटरवल में कच्ची घुमाते रहिए। जैसे आप देख पा रहे हैं, हमारा खीर एकदम क्रीमी और थिक हो गया है। फ्रेंड्स, अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ केसर का फूड कलर। आप चाहे तो सिर्फ केसर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये फूड कलर जो जलेबी में इस्तेमाल करते हैं वही वाला इसमें यूज करने वाली हूँ। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स जो हमने सैलो फ्राई करके पहले ही रख दिए थे। अभी हम इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। खीर में जैसे लम्स ना रह जाए, इस वजह से आपको थोड़ा थोड़ा बीच बीच में इसको स्टेयर करते रहना है। खीर का एकदम क्रीमी टेक्सचर बनके तैयार हो गया है। अभी आखिर में हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। शुगर अप्रोक्सीमेटली आपको एक कप इसमें इस्तेमाल करने होंगे। हम जितने क्वांटिटी के एलिमेंट्स लिए हैं, हम दूध क्योंकि 2 लीटर लिए हैं तो इसमें हम इस्तेमाल करेंगे लगभग 1 कप चीनी, क्योंकि ऑलरेडी इसमें मिल्क पाउडर और बाकी सारी चीजें भी पड़े हैं, इस वजह से इसका टेस्ट ऑलरेडी मीठा है। हम ऐड करेंगे ओनली 1 कप चीनी, और एंड में हम इसको फ्लेवर देने के लिए ऐड करेंगे कैडमम पाउडर यानी दालचीनी का पाउडर, वो लगभग 1/2 टीस्पून हमें जरूरत होंगे। ये आखिर में हम ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं, मैं करछी कंटिन्यूअसली घुमा रही हूँ। फ्रेंड्स, खीर का जो टेक्सचर है और जो फ्लेवर है वो अभी कंप्लीट हो गया है। अभी हमारा खीर एकदम सर्विंग के लिए तैयार है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हियर इज लकी साइनिंग ऑफ।